अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शान अली और आप देख रहे हैं शान अली टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे पाकिस्तानी मायानास क्रिकेटर और नेशनल हीरो की बात करेंगे जिसने क्रिकेट की तारीख में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल शान अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी दबाएँ, क्योंकि मैं लाता हूँ आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमती वीडियोज़। इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, जिससे आप यूनुस खान के नाम से जानते हैं, दरअसल इनका असल और पूरा नाम मोहम्मद यूनुस खान है। यूनुस खान की पैदाइश 29 नवंबर 1977 पाकिस्तान के शहर मर्दान में हुई थी। इनके वालिद का नाम इकबाल खान है। दोस्तों, यूनुस खान ऐसे वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। दोस्तों, यूनुस खान ऐसे वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। यह दुनिया के 13वें जबकि पाकिस्तान के पहले ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाए। इनसे कबल जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान की जानिब से 8,832 रन का रिकॉर्ड बनाया था। नाजरीन, यूनुस खान ऐसे वाहिद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट के कप्तान रह चुके हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कई बड़ी बड़ी सीरीज समेत 2009 का T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया था। ये पाकिस्तान के ऐसे तीसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की एक इनिंग में 300 से ज़्यादा रन बनाए थे। दोस्तों, यूनुस खान अपने कैरियर में टेस्ट के 118 मैचेस, वनडे के 265 मैचेस और T20 के 25 मैचेस खेल चुके हैं। टेस्ट मैचेस में इन्होंने 34 सेंचुरियां और 33 निव सेंचुरियां बनाई हैं। वनडे में इन्होंने 7 सेंचुरियां और 48 निव सेंचुरियां बनाई हैं। T20 में इन्होंने सिर्फ 2 निव सेंचुरियां बनाई हैं। दोस्तों, यूनुस खान ने टेस्ट में 10,100 रन, वनडे में 7,249 रन और T20 में 442 रन स्कोर किए हैं। दोस्तों, यूनुस खान ने अपने कैरियर में तीनों फॉर्मेट के अंदर मैन ऑफ द सीरीज के 6 जबकि मैन ऑफ द मैच के 27 एजाजात अपने नाम किए हैं। नाजरीन, यूनुस खान ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 2000 में श्रीलंका के खिलाफ की थी और अपना आखिरी मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ 2017 में खेला था। नाजरीन, यूनुस खान ने अपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और बहुत ही आला रिकॉर्ड्स कायम करने के बाद कौमी क्रिकेट टीम में नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए साल 2017 में क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। दोस्तों, यूनुस खान ने 30 मार्च 2007 को आमना नाम एक लड़की से शादी की थी और इनके 3 बच्चे भी हैं, एक बेटा और 2 बेटियाँ हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें और हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस को आसानी से हासिल करने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबाएँ। मैं शान अली आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलते हैं एक और दिलचस्प और मालूमती वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।